हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड फिर से एक बार समर्पण टेक्निकल से। और आज हम लोग एक प्रॉब्लम की बात करेंगे जो कि एलजी टीवी में कॉमन सा फॉल्ट होता है, लेकिन टेक्नीशियन को बहुत ज़्यादा ही खटना पड़ता है इसमें। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक एलजी का अल्ट्रा स्लिम टीवी हमारे पास में है और इसका फॉल्ट क्या हो रहा है कि टीवी जैसे ही चालू होता है थोड़ा सा फिर तुरंत बंद हो जाता है। तो चलिए इसको मैं चालू करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसका ये पावर बटन है। जैसे ही हम लोग यहाँ चालू करते हैं तो हमारा स्टैंड बाय रिलीज होता है और देखिएगा कभी फ़ोटो आएगा। देखिए इस बार अभी फ़ोटो नहीं आया है, फिर ये स्टैंड बाय में चला गया। लेकिन कभी कभी फ़ोटो आता भी है। कभी क्या होगा कि 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट चलने के बाद भी बंद होगा, और कभी तो बढ़िया चलता है 4-5 घंटा चलने के बाद भी ये प्रॉब्लम करता है। कभी लाइट भी आता है। चलिए मैं 2-3 बार देखता हूँ। देखिए मैंने फिर देखिए ये आ रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो वोल्टेज होता है यहाँ पर हमारा आता है 110 वोल्ट। जो कि यहाँ आपको मीटर में ये दिखाई दे रहा है, देखिए हमारा 100 वोल्ट यहाँ बन रहा है। उसके बाद इसका नीचे में यहाँ बनता है 9 वोल्ट। ये सप्लाई हमारा होता है 9 वोल्ट का, जो आप देख रहे हैं मीटर में हमारा बन रहा है। और उसके बाद एक ऑडियो का सप्लाई यहाँ पर आता है जो कि लगभग से 20 वोल्ट होता है, 18 वोल्ट इसका बीच में कुछ होता है। तो ये देखिए हमारा ये बन रहा है। और उसके बाद आप चेक करें घड़ी के VCC वोल्टेज को, तो मीटर को हमको लगाना होगा 5 वोल्ट का रेंज में। और ये हमारा देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा VCC वोल्टेज। तो VCC वोल्टेज हमारा रहेगा लगभग 5 वोल्ट 6 वोल्ट इसमें बनता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के थ्रू से आता है। तो आप ये देखिए यहाँ लगभग 6 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद SDL और SCL, ये दोनों वोल्टेज होना चाहिए। तो इतना हो गया हमारा। उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही हम लोग स्टैंड बाय यहाँ रिलीज करते हैं, रिलीज करने के साथ में क्या होता है, जैसे स्टैंड बाय रिलीज होता है थोड़ा देर रहता है। यहाँ पर 7805 लगा हुआ है। यहाँ पर चार पिन का एक रेगुलेटर IC लगा हुआ है, जिसका इस पिन पर हमारा IC से वोल्टेज आता है। जैसे ही हम लोग चालू करेंगे यहाँ IC के द्वारा वोल्टेज आएगा और यहाँ पर हमारा ये आउटपुट करेगा 9 वोल्ट, जो कि 9 वोल्ट यहाँ से आपका इस रेगुलेटर IC में आएगा और फिर यहाँ से 5 वोल्ट बन करके हमारा आगे सप्लाई जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ 5 वोल्ट देखिएगा, मैं नाप के चालू करके बताता हूँ। तो ये देखिए मैं प्लस दबा रहा हूँ और यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आया, ये देखिए। लेकिन फिर क्या हुआ, ये डाउन चला गया। तो सबसे पहले अगर आपको जितना वोल्टेज मैंने दिखाया अगर कोई कम लग रहा है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उससे संबंधित कैपेसिटर को आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद दो तरफ से ये फॉल्ट होता है, एक तो ESD सेक्शन से फॉल्ट हो सकता है, या पावर सप्लाई से हमारा फॉल्ट हो सकता है, या हमारा ये IC से फॉल्ट, इधर से सप्लाई इधर नहीं जा रहा है बढ़िया से, ये हमारा जो सेक्शन है यहाँ से फॉल्ट हमारा ये फॉल्ट हमारा दो तरफ से होगा। एक तो माइक्रो प्रोसेसर इधर से सप्लाई अगर बढ़िया से नहीं बन रहा है तो होगा, या तो एक होगा हमारा ESD सेक्शन तरफ से सप्लाई कोई प्रॉब्लम है तो होगा। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा यहाँ पर ड्राइवर लगा हुआ है, ये ड्राइवर, ये देखिए ड्राइवर है, तो इसके इस पिन को ओपन कर देना है आपको, डिसोल्डिंग वायर से इस पिन को ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद फिर से स्टैंड बाय रिलीज कीजिए। अगर आपका ये रेगुलेटर IC 7805 पर आउटपुट अगर 5 वोल्ट बन गया
और खड़ा रह गया और हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर में एसी वोल्ट के रेंज में अगर हमारा 2 वोल्ट यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा आईसी सेक्शन से तरफ से सही काम कर रहा है और यहाँ का वोल्टेज सही है। प्रॉब्लम है इधर इस साइड में, तो इसमें हमने, तो आप देख रहे होंगे कि सर्किट में बहुत जगह सोल्डर मारा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि इसको खोल करके जितना भी जगह ड्राई सोल्डरिंग था, मैंने सबसे पहले ड्राई सोल्डरिंग को मारा, उसके बाद मैंने चालू किया, फिर भी हमारा फॉल्ट वहीं था। उसके बाद मैंने इस कैपेसिटर को भी चेंज किया, 2200 mF, हमारा यहाँ पर 15 वोल्ट 20 वोल्ट रहता है, इसको भी मैंने चेंज किया। यहाँ पर एक अलग से 110 वोल्ट में अलग से भी मैंने एक कैपेसिटर लगा के देखा, प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो किया, जो सबसे मेन फॉल्ट हमारा है, जो ज़्यादातर में होता है, ज़्यादातर LG अल्ट्रा स्लिम टीवी हो गया या नॉर्मल टीवी हो गया होता है, होता क्या है कि सप्लाई तो हमारा यहाँ 110 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पर 110 वोल्ट हमारा सप्लाई बन रहा है, आप देख रहे हैं। एक सौ वोल्ट हमारा यहाँ सप्लाई बन रहा है और स्टैंड बाय इधर ये देखिए, ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एक ये रेजिस्टेंस यहाँ यहाँ के थ्रू यहाँ से गया और यहाँ से जाते हुए ट्रेसिंग करते हुए हमारा ये चला जाता है ESD के इस पिन पर। तो बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और होता क्या है कि जब ये चालू होता है तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ कम हो गया है, तो इसका एक वायर मैंने लिया यहाँ पर और इस पिन और इस रेजिस्टेंस का दोनों पिन पर मैंने लगा दिया। और उसके बाद फिर मैंने जब टीवी चालू किया तो मैंने देखा कि हमारा फॉल्ट टीवी बंद नहीं हो रहा है, तो हमें ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस लोड नहीं ले पा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को मैंने हटाया यहाँ से और ये देखिए, किसी से मैंने ये निकाला जो कि ज़्यादातर वीडियो कॉन में लगा हुआ रहता है, 0.ohms में इसका वैल्यू है, ठीक है, R क्योंकि इधर लगा हुआ है, ये पॉइंट देखिए इसका वैल्यू है 0.22 ohms का रेजिस्टेंस है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। तो इसको मैंने यहाँ पर, अब मैं इसको लगाऊंगा और उसके बाद मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा लिया है जो कि यहाँ पर लगा हुआ होता है, और पहले हमारा ये रेजिस्टेंस था, अब इसको हम लोग करेंगे चालू। तो ये देखिए, मैं टीवी को यहाँ चालू कर रहा हूँ और ये हमारा टीवी चालू हुआ और आप देख रहे हैं कि हमारा चालू हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीका से। इसको हम लोग कर देंगे AV मोड में। तो फाइनली दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा टेलीविज़न चालू हो चुका है और मैंने अभी आधा घंटा इसको चलाया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट में ही हमारा ये टीवी बन गया और आपको मैंने आसानी से भेज दिया, इसके पीछे मैंने लगभग 1 घंटा मैंने मेहनत भी किया। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे तो आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी सहायता मैं कर सकूं। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।